खुसरो के जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सबा खोखर दी आर्क क्विज प्रोग्राम में आपको आप टीवी के स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। आज हमारे साथ हमारी एक नई गेस्ट मौजूद है और हम चैप्टर 4 जेनेसिस के क्वेश्चन और आंसर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। गुज़श्ता 3 एपिसोड्स में हमने जेनेसिस चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के क्वेश्चंस देखे और उनके जवाब भी सुने। आज आपके लिए चैप्टर 4 लेके आए हैं एक नए गेस्ट के साथ। आए हमारे साथ देखते हैं कि आज स्टूडियो में कौन है। जी गुड इवनिंग सिस्टर, कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी शुक्र है जी। तो आप अपने हमारे देखने वाले व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम सबा रजाक है और मैं FA की स्टूडेंट हूँ और मैं साथ खिदमत को भी सर अंजाम दे रही हूँ और खुदा मुझे अपने लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि सिस्टर ने बताया कि वो FA की स्टूडेंट भी हैं और इसके साथ साथ वो खुदावंद की खिदमत में भी सर नगु हैं, तो हम देखते हैं कि आज सिस्टर हमारे साथ इस क्विज प्रोग्राम में कैसे रहती हैं और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इससे भी बहुत सारी बरकत हासिल करेंगे। तो आए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी तो सबा, आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। बढ़े अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जी जी, तो हम देखते हैं कि आज हमारे लिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। जी तो पहला क्वेश्चन है, आदम के पहले बेटे का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शंस है हाबल, ऑप्शन बी काइन, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी हनूक। जी तो सबा, आप इन ऑप्शंस को देखें और आपको जो ऑप्शन सही लगता है आप बताएं। ऑप्शन बी काइन। जी तो ऑप्शन बी आपने कहा। हम स्क्रीन पे देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। जी तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, काइन। जी सबा, आपने जवाब सही दिया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाबल क्या काम करता था? ऑप्शन ए चरवाहा, ऑप्शन बी खेती करना, ऑप्शन सी लोहार और ऑप्शन डी किसान। जी सबा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए चरवाहा। जी हम स्क्रीन पे देखते हैं। जी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, चरवाहा। कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, आप बहुत अच्छा आंसर दे रही हैं। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का कौन सा बेटा गजबनाक हुआ? ऑप्शंस है हाबल, ऑप्शन बी हनूक, ऑप्शन सी काइन, ऑप्शन डी से। जी सबा, ऑप्शन सी काइन। हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जी तो स्क्रीन पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, काइन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जमीन पर पहला खून किसका हुआ? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी काइन, ऑप्शन सी हनू और ऑप्शन डी हाबल। ऑप्शन डी हाबल। Are you sure? Sure. जी तो हम स्क्रीन पे देखते हैं। जी तो स्क्रीन पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, हाबल। जी सबा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जी इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडियो में आकर और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी हम किसी भी तरह के प्रोग्राम में जाते हैं, मेरा ईमान है हर कोई सीखता है और मैंने भी यहाँ पे आकर कुछ नया ही सीखा है। जी, God bless you. जी तो next question, जमीन की तरफ से कौन लानती हुआ? ऑप्शन ए काइन, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी हनू और ऑप्शन डी हाबल। ऑप्शन ए काइन। हम स्क्रीन पे देखते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। जी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, काइन। वेरी गुड सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लमक कितनी औरतें ब्याह लाया? आपके पास ऑप्शंस है ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी पांच, ऑप्शन डी सात। ऑप्शन बी
दो औरतें जी। स्क्रीन पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, दो औरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेमों में रहने और जानवर पालने वालों का बाप कौन था? ऑप्शन ए योबल, ऑप्शन बी सोबलकाय, ऑप्शन सी याबल और ऑप्शन डी क्याबल और युबल। ऑप्शन सी याबल। ऑप्शन सी आप श्योर हैं? श्योर। ऑप्शन सी यस, स्क्रीन पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, याबल। आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन, हमारी मुश्किल तो नहीं है? नहीं, नॉर्मल है। अच्छा चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप कौन था? ऑप्शन ए याबल, ऑप्शन बी युबल, ऑप्शन सी लमक और ऑप्शन डी है तुबलकाय। ऑप्शन बी योबल। स्क्रीन पे भी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, योबल जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला और लमक से कितने बेटे पैदा हुए? ऑप्शंस है ए, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी चार और ऑप्शन डी छह। ऑप्शन बी दो बेटे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दो। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला कौन था? ऑप्शन ए एआर, ऑप्शन बी याबल, ऑप्शन सी युबल और ऑप्शन डी तुबलकाय। ऑप्शन डी तुबलकाय। ऑप्शन डी जी। हम स्क्रीन पे देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। जी सभा, आपने सही जवाब दिया, ऑप्शन डी तुबलकाय। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसका 70 और 7 गुना बदला लिया जाएगा? आपके पास ऑप्शंस है लमक, ऑप्शन बी काय, ऑप्शन सी युबल और ऑप्शन डी याबल। ऑप्शन ए लमक। ऑप्शन ए लमक आपने बोला, हम स्क्रीन पे देखते हैं जी, आपका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए लमक। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसकी पैदाइश के वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे? ऑप्शन ए लमक, ऑप्शन बी काइन, ऑप्शन सी युबल और ऑप्शन डी अनुज। ऑप्शन डी अनुज जी। हम स्क्रीन पे देखते हैं, आपका जवाब सही है, ऑप्शन डी अनुज जी। सभा, आपने बहुत अच्छा हमारे आंसर्स दिए सवाल आपके, खुदा आपको ब्लेस करे। कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स से? मैं उनको ये कहना चाहूंगी, अगर उनके अंदर भी कलाम छुपा हुआ है, उनके अंदर वो बोझ रखते हैं कि दूसरों के साथ कलाम की बातों को शेयर करें, तो उन्हें चाहिए कि वो टीवी पर आकर, इस स्टूडियो में आकर अपने कलाम को, जो खुदा का कलाम उनके अंदर है, उनके दिलों में है, उसे यहाँ पे आकर दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी खुदा के कलाम के जखीरे से जखीरे को हासिल कर सकें। और वैसे सभा, और मैं दुआ करूँ कि खुदा इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहे। और थैंक यू कि आप हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू जी। तो व्यूवर्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बताएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह हमारे प्रोग्राम को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपनी ब्लेसिंग्स को हासिल करते रहें। थैंक यू। खुदा आपके साथ।